Hello guys, welcome to YouTube channel Network Point. Today topic is ping. तो बात करेंगे इसमें how ping works, like how ping works and how ping में इसमें हम discuss करेंगे packet flow के बारे में. क्या discuss करेंगे? Packet flow के बारे में. And discuss करेंगे इसमें basic of encapsulation. Decapsulation और बेसिक करेंगे ARP टेबल के बारे में. ARP टेबल और CAM टेबल बाद में कर लेंगे, पहले ARP टेबल के बारे में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. बेसिकली कैसे वर्क करता है पिंग, इसके बारे में बात करेगा. देखो होता क्या है, अगर मैं रियल सिनेरियो की बात करूं तो रियल सिनेरियो में क्या होता है, लाइक किसी आप ऑफिस में बैठे हो. ठीक है, सपोज ये आपका सिस्टम है. ठीक है, आप यहां बैठे हो, आपने केबल लैन पोर्ट से कनेक्ट कर रखा होगा. ठीक है, ये स्विच आपका किसी राउटर से कनेक्टेड होगा या किसी ने आपने जो ISP से कनेक्शन ले रखा है वहां से कनेक्टेड होगा. मैं राउटर मान लेता हूँ. फर्दर ये आपका ISP से कनेक्टेड है. ठीक है, ऐसे ही होता है. अब देखो होता क्या है, आपने आप यहाँ बैठे हो. ठीक है, आपने यहाँ बैठे हो और आपने पिंग किया किसी को. सपोज यहाँ पे कोई डिवाइस है, आपने पिंग किया, पिंग लाइक 10.1.1.1. ठीक है, जैसे पिंग किया आपने तो आपको या तो सक्सेस मिलता है, ठीक है, या फिर ड्रॉप मिलेगा. ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट या फिर सक्सेस. ठीक है, तो देखो आपको ये दो आउटकम मिले, या तो सक्सेस होगा या फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा. तो बट बैकएंड में कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, पहले बेसिक देख लेते हैं कैसे काम करता है, फर्दर फिर आगे चलते हैं. ठीक है, देखो अभी मैं दो सिस्टम ले लेता हूं. ये आपका कंप्यूटर मान लो ए और ये कंप्यूटर आपका बी. इन दोनों को मैंने केबल से अटैच कर दिया. ठीक है, यहां पे आईपी दे देता हूं 10.1.1.1, यहां दे देता हूं 10.1.1.2 एंड वन मोर थिंग, सेम सबनेट में ही होना चाहिए. अगर आप डिफरेंट में करोगे फिर आपको राउटर यूज करना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे मैक ए है, यहाँ बी है और एक आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया. तो जैसे आप ए पे हो, पीसी वन आप करोगे पिंग 10.1.1.2. ठीक है, उसके बाद या तो आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा या फिर सक्सेस का मैसेज आएगा, दो ही मैसेज आएंगे आपके पास. ठीक है, तो बैकएंड में क्या होता है, देखो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने पिंग किया, एंटर मारा और उसके बाद आपको आउटपुट मिल गया. ठीक है, तो जो काम ऑटोमेटिक होता है, तो जो भी काम ऑटोमेटिक होता है उसमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल, देखो राउटिंग होती है तो राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है. ठीक है, यहाँ पे अगर पिंग का एग्जाम्पल ले रहे हो तो कोई ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, तो पिंग में आपका ICMP प्रोटोकॉल काम करता है. ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर मारा यहाँ पे, जैसे ही आपने एंटर मारा, देखो प्रोसेस सबका सेम है. अभी हम दो कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम राउटर और स्विचेस भी कनेक्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में राउटर एंड देन नेक्स्ट क्लास में राउटर एंड स्विचेस बोथ, देन हम चेक करेंगे कि क्या सिनेरियो रहेगा और कैसे वर्क करेगा.
बट अभी दो सिस्टम मैंने कनेक्ट किया है और प्रोसेस सबका सेम रहेगा डिवाइस का, जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर आपने राउटर पे काम किया है, ठीक है, तो मैं बीच में यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे राउटर कनेक्ट करके। अगर से आपने राउटर कनेक्ट कर रखा है और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो होता क्या है, आप पिंग करते हो, ठीक है। अभी किसी कस्टमर के राउटर को अगर मैं बात करूं, कस्टमर के राउटर को आप पिंग करते हो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, पिंग इज यूज टू चेक द कनेक्टिविटी। From source to destination. देखो अगर आप किसी डिवाइस को पिंग करते हो, ठीक है, तो मेनली करते क्या हो, किस लिए पिंग कर रहे हो, आप रीचेबिलिटी चेक कर रहे हो ना कि वो डिवाइस आपका अप है या डाउन है, ठीक है, इसलिए चेक करते हैं ना। तो अगर मैं रियल सिनेरियो के बारे में बात करूं, तो अगर आप किसी ऑफिस में, चल मान लीजिए किसी आप ISP में है, काम कर रहे हैं, किसी कस्टमर का लिंक डाउन हो जाता है, ठीक है, मान ली कनेक्टिविटी डाउन हो गई उसकी, उसका नेट नहीं चल रहा है, उसने आपको फोन किया कि भाई मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? अब आप वहां पे जाके तो चेक नहीं करोगे ना उसका नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप क्या करोगे, पिंग करोगे। आपने एक IP दे रखी होगी, ठीक है, आपने एक IP दे रखी होगी, जो IP उस कस्टमर के राउटर पे होगी, अगर राउटर है तो राउटर पे होगी, फायरवॉल है तो फायरवॉल पे होगी, जो उसका एंड डिवाइस है, जहां जो सर्विस आप दे रहे हो, ठीक है, जो IP उस कस्टमर के डिवाइस पे रखी हुई है उसको आप पिंग करोगे, राइट। तो उस डिवाइस को पिंग करोगे, किस लिए पिंग कर रहे हो, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो ये क्या है, पिंग इज यूज टू चेक द कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड ऑन पिंगिंग ICMP protocol use. देखो जो काम ऑटोमेटिक होता है ना उसको कोई प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है, जो भी काम ऑटोमेटिक होता है, देखो मैनुअल अगर काम हो रहा है तो नेटवर्क एडमिन करता है, ठीक है, बट जो राउटर है, स्विचेस है या कंप्यूटर है, जो भी काम ऑटोमेटिक करता है, बैकएंड में कोई प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटरप्रेस किया तो ICMP प्रोटोकॉल काम करेगा। ICMP क्या करेगा, प्रोटोकॉल काम करेगा और एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, क्या करेगा, ICMP प्रोटोकॉल इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। जैसे आप एंटर करोगे तो एक ICMP प्रोटोकॉल ICMP एक मैसेज जनरेट करेगा विच इज इको रिक्वेस्ट मैसेज। और कैसे पता लगेगा दूसरे डिवाइस को कि इको रिक्वेस्ट है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा एक टाइप कोड, ठीक है, ये क्या है, टाइप कोड ऑफ इको रिक्वेस्ट मैसेज, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एंटर किया, ICMP प्रोटोकॉल वर्क करेगा, ICMP ने एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया, उसके बाद ये क्या करेगा, ठीक है, ये लेयर 3 पे हैंडओवर करेगा, ठीक है। और गाइस जो भी प्रोटोकॉल लेयर 3 पे काम करता है तो एक IP हेडर अटैच होता है, ठीक है, तो उस IP हेडर में कुछ कंटेंट होते हैं, इसने क्या किया, IP प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर दिया, या बोल सकते हो ICMP वर्क ऑन लेयर 3, ऑन लेयर 3 जब भी डिवाइस काम करता है तो एक IP हेडर अटैच होता है, ठीक है। तो देखो IP हेडर अटैच होगा, तो इसको IP प्रोटोकॉल को क्या मिला, एक तो मैसेज मिला, इको रिक्वेस्ट मैसेज मिला, पहले सही था, ये तो पहले जनरेट हो गया ना, इको रिक्वेस्ट मैसेज मिला, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये IP हेडर अटैच करेगा,
आईपी हेडर में क्या क्या होगा, सोर्स आईपी होगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.1.1.1, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या है, किसको रीच कर रहे हो आप, किसको पिंग कर रहे हो, डेस्टिनेशन 12.1.1.2, ठीक है। देखो और आईपी हेडर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, एक टीटीएल वैल्यू भी रहती है, तो टीटीएल वैल्यू देखो टीटीएल वैल्यू कितनी होती है और उसका क्या काम है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टीटीएल होता है टाइम टू लीव, बेसिकली क्या काम करता है ये, देखो अगर पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर देते हैं, कितनी वैल्यू होती है इसकी, अगर मैं बात करूं सिस्को आई उसकी, अगर मैं बात करूं सिस्को आईओएस की, तो इसमें जो टीटीएल वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 255, ठीक है। विंडो की बात करूं 128, लिनक्स 64, ठीक है। और टीटीएल का काम क्या रहता है गाइस, लूप प्रिवेंट करने के लिए होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे लूप कैसे मतलब बनेगा और उसको कैसे प्रिवेंट होगा, ठीक है। बट जो टीटीएल का काम रहता है, ठीक है, वो मतलब क्या होता है कि जब भी पैकेट आपका फ्लो रहता है ना, तो टीटीएल की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहती है बाय 1, जब ये 0 हो जाएगा तो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा तो लूप नहीं बनेगा ना, तो दैट इज द यूज ऑफ टीटीएल वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा सिस्टम कनेक्ट है तो टीटीएल कितना रहेगा 128 ऑन विंडो केस में क्या रहेगा 120, ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर एक रहेगा, आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर रहता है 1, ठीक है। ये आपका और भी चीजें रहती है आईपी हेडर में, बट उसका भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। देखो एक चीज और, जो ये इतनी इंफॉर्मेशन है, ये हो गया आपका आईपी हेडर, और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये हो गया पैकेट, ठीक है, ये हो गया पैकेट। तो अब क्या हो गया, पैकेट में सारी इंफॉर्मेशन है, तो पैकेट हो गया आपका इनकैप्सुलेट, पैकेट हो गया आपका इनकैप्सुलेट, ठीक है। और अभी डिस्कस करेंगे बाद में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डीकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है। अभी इतना समझो कि पैकेट हो गया इनकैप्सुलेट, पैकेट इनकैप्सुलेट हो गया। अब ये क्या था, लेयर 3 था, ये करेगा लेयर 2 को हैंड ओवर, ठीक है। और जब ये लेयर 2 को हैंड ओवर करेगा तो लेयर 2 पे देखो, लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, लेयर 3 पे अगर ये आपका इथरनेट केबल है, ठीक है, फास्ट इथरनेट है, तो आपका आरपा प्रोटोकॉल वर्क करेगा, ठीक है। सीरियल केस में एचएडीएल से वर्क करता है, तो ये हो गया आपका आरपा प्रोटोकॉल वर्क करेगा। तो आरपा प्रोटोकॉल को क्या मिलेगा, इधर एक तो पैकेट मिलेगा ना, वो तो ऊपर जो लेयर 3 में था उसे आपको लेयर 2 पे दिया, तो पैकेट मिला आपको। अब ये क्या करेगा, इथरनेट हेडर अटैच करेगा, ठीक है। आईपी हेडर लेयर 3 पे ऐड होता है, इथरनेट हेडर आपका लेयर 2 पे ऐड होता है। क्या होगा इसमें, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक गाइस। एक चीज और, आपने जब पिंग किया तो आपके पास डेस्टिनेशन आईपी थी,
क्योंकि किसको पिंग करना था आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, राइट। होता क्या है, डिवाइस एक आर्क टेबल मेंटेन करता है, ठीक है, डिवाइस एक आर्क टेबल मेंटेन करता है, और उस आर्क टेबल में क्या करता है, डिवाइस अपनी मैक की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, डिवाइस अपनी मैक की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे ही अगर आपको देखना हो ना कि मैक क्या है, तो आप सीएमडी में जाओ, डालो आर माइनस, ठीक है, इतनी सारी मैक आ गई है, तो ये इंफॉर्मेशन दिखा रही है ना, अगर आपको चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हो। और दूसरी बात देखो, अगर मैं पिंग करूं, गूगल को पिंग कर लो, ठीक है, चार पैकेट इसने भेजे हैं, चार पैकेट भेजे हैं ना, तो इसने चार पैकेट ही क्यों भेजे हैं, इसने चार पैकेट ही क्यों भेजे हैं, तो ये एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चेक करते हैं पहले कि कौन सा डिवाइस कितने पिंग रेस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। देखो यार, अगर आपने जैसे राउटर को चेक किया होगा, राउटर को लॉगिन करके कोई आईपी को पिंग किया होगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 5 पैकेट भेजता है राउटर, ठीक है, सिस्को आईओएस होता है, या अगर मैं बात करूं राउटर के बारे में, तो 5 पैकेट भेजता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, विंडो के केस में ये पैकेट 4 भेजता है, ठीक है, आप चेक कर लेना, अगर आप किसी राउटर को लॉगिन करके पिंग करते हो, ठीक है, तो 4 पैकेट आपका भेजता है, और अगर विंडो का केस है तो सॉरी राउटर केस में 5 पैकेट भेजता है और विंडो केस में 4 पैकेट भेजता है, ठीक है। और बात कर लेते इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्योंकि तो आगे हम यूज करेंगे तो पता होना चाहिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेशन, रिमूविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, ठीक है। और देखो आईपी हेडर में क्या क्या होता है, एक बार ये देख लो, उसके बाद फिर सबको कंबाइन करके फिर बात करेंगे कैसे वर्क करता है। आईपी हेडर में सोर्स आईपी रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, एक TTL की फील्ड रहेगी, प्रोटोकॉल नंबर रहेगा, ठीक है, ये आपकी आईपी हेडर में इतनी इंफॉर्मेशन रहेगी। ईथरनेट हेडर में क्या क्या रहेगा, आपका सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, आईप कोड रहेगा, और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, प्रीएम्बल, एसएफडी, बट जो अभी काम की बात चीज है वो अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी, ठीक है। और देखो अगर लेयर 3 पे अपना कोई डेटा है उसको बोलते हैं पैकेट, लेयर 2 पे है उसको बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। और डिवाइस वर्क किस पे करता है, मतलब कैसे वर्क करता है, बिट पे ना, बिट की भाषा समझता है वो, 1010 जो भी है, ठीक है। तो ये देख लो आईपी हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएंगी, ईथरनेट हेडर पे क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी,
इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड व्हाट इज डीकैप्सुलेशन, ठीक है। सिस्को आईओएस राउटर में 5 पैकेट बाय डिफॉल्ट जाएगा, विंडो के केस में 4 पैकेट जाएगा। विंडो के केस में जो आपकी टीटीएल की फील्ड रहेगी वो 128 की रहेगी, और जो इन द केस ऑफ राउटर और सिस्को आईओएस तो टीटीएल की फील्ड आपकी 255 रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब सबको मर्ज करते हैं, पिंग कैसे काम करेगा, ठीक है। मैंने दो डिवाइस कनेक्ट किए थे, ये ए बी 10.1.1.1 10.1.1.2, ठीक है। आईपी का सबनेट सेम रहेगा अभी, ठीक है। यहां पे इस डिवाइस पे मैंने गया, मैंने पिंग किया 10.1.1.2, मैंने एंटर मारा, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर मारता हूं तो क्या प्रोसेस होगा, आईसीएमपी वर्क, ठीक है। पहले बताया था आपको, ऑटोमेटिक जो काम होता है उसमें कोई प्रोटोकॉल वर्क करता है, ठीक है। पिंग के रेस्पॉन्स पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो जैसे ही आप एंटर मारोगे आईसीएमपी वर्क करेगा। आईसीएमपी क्या करेगा, ई को मैसेज जनरेट करेगा, ठीक है। सामने वाले डिवाइस को कैसे पता लगेगा ये ई को रिक्वेस्ट है या ई को रिप्लाई है, विद टाइप कोड 8 से पता लगेगा कि ये ई को रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब आईसीएमपी क्या करेगा, लेयर 3 पे वर्क कर रहा है, और जब डिवाइस लेयर 3 पे वर्क करता है तो आईपी हेडर भी अटैच होगा, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.2, टीटीएल 128 विंडो केस है, प्रोटोकॉल नंबर 1, आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है 1, ठीक है, क्लियर है। नाउ ये आईपी हेडर, ये आईपी प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है यहाँ पे, अभी क्या करेगा, आरपा को हैंडओवर करेगा, ठीक है। सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन देखो अब होता क्या है, एवरी डिवाइस मेंटेन आर टेबल, ठीक है। जो मैंने आपको पहले आर टेबल दिखाई थी, आर माइनस आप चेक करोगे तो उससे आर टेबल शो करेगा आपको, ठीक है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब ये डेस्टिनेशन आईपी तो आपने बताई थी इसको जो पिंग किया था, इस डेस्टिनेशन आईपी का ये आर्प टेबल में लुकअप करेगा कि मैक अवेलेबल है या नहीं है। और देखो जब तक पिंग नहीं करोगे तब तक कैसे, देखो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, सिर्फ पिंग करके जब एंटर मारा फर्स्ट टाइम तो लुकअप करेगा आर्प टेबल में, डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, बट इनिशियली तो डेस्टिनेशन मैक होगा नहीं ना आप टेबल में भाई, जब मैंने पिंग किया ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैं पिंग कर रहा हूं तो आप टेबल तो होगा नहीं। और जब आप टेबल आपका मैक जब होगा नहीं आप टेबल में, तो डेस्टिनेशन मैक कहां से पता करेगा ये? देखो डेस्टिनेशन आईपी आपने बताई 10.2 है, उसको बताई ना, पिंग किया तो उसको पता लग गया, बट इस आईपी का मैक कहां से पता लगेगा इसको, आप टेबल से, बट इनिशियली तो आप टेबल में एंट्री है नहीं, ठीक है। या तो आप स्टेटिकली डालो, ठीक है,
दैट इज टिपिकल वर्क। आप का तो बड़ा ही है ना, आपका मतलब क्या है? मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, तो है तो बड़ा, तो स्टैटिकली डालो। बट अगर डायनेमिक या स्टैटिकली कितना डालोगे? अगर मान लो आप पिंग कर रहे हो तो 1x1 तो डालोगे नहीं। और दूसरी बात, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है रिमोट केस में, फिर तो आप स्टैटिकली डाल नहीं पाओगे ना। तो होता क्या है, यहाँ पे प्रोसेस आपका स्टक हो जाएगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। देखो ये इंफॉर्मेशन पूरी थी तो पैकेट आपका इनकैप्सुलेट हो गया था, उस पैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया था, विच मीन्स इनकैप्सुलेशन ये कंप्लीट नहीं हो पाया यार, कंप्लीट नहीं हो पाया ना ये, इसमें डेस्टिनेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब डेस्टिनेशन मैक मिलेगा कैसे, ठीक है? तो जब भी डेस्टिनेशन मैक आपके पास नहीं रहता है तो डिवाइस क्या करेगा, ये काम देगा आपको आरपा प्रोटोकॉल, सॉरी एआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक चीज और यार देखो, होता क्या है, यहाँ पे प्रोसेस होल्ड हो गया और ये भी आईसीएमपी का टाइम आउट जो होता है वो 2 सेकंड का होता है, ठीक है। आईसीएमपी का जो टाइम आउट होता है वो 2 सेकंड का होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। 2 सेकंड ये वेट करेगा भाई, 2 सेकंड कैसे वेट करेगा, जब आपने एंटर मारा आईसीएमपी ने अपना काम कर दिया, जनरेट कर दिया, आईपी प्रोटोकॉल को उसने हैंडओवर कर दिया, दे दिया आईपी प्रोटोकॉल को, जैसे ही वो दे देगा काम, भाई मैंने आपको एक काम दे दिया, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आधे घंटे में हो जाना चाहिए, आधे घंटे में करो या ना करो, ठीक है, आधे घंटे के बाद मैं आपसे रिपोर्ट पाऊंगा ना कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, आईसीएमपी का जो टाइम आउट है वो 2 सेकंड का, 2 सेकंड ही वेट करेगा वो। तो यहाँ पे तो प्रोसेस होल्ड हो गया, ठीक है, अब आरपा एआरपी प्रोटोकॉल को दे दिया इसने काम, ठीक है, तो 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो पहला पैकेट आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी डिवाइस को पिंग करते हो तो पहला पैकेट ड्रॉप होता है, वो पहला पैकेट ड्रॉप क्यों होता है, बिकॉज डिवाइस डोंट हैव मैक एड्रेस इन देयर आर्प टेबल, क्यों होता है, बिकॉज डिवाइस डोंट हैव मैक एड्रेस इन देयर आर्प टेबल, इसीलिए जो पहला जो पिंग रेस्पॉन्स होता है वो ड्रॉप होता है, बाय डिफॉल्ट विंडो है 4 पैकेट भेजेगा, पहला ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ड्रॉप कैसे हुआ, या प्रोसेस स्टक हो गया, इसने क्या किया, फिर इसने एआरपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर दिया, भाई उसने बोला एआरपी प्रोटोकॉल को बोला कि भाई अब ये मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है, अब इसका मतलब मैक एड्रेस है वो आप मुझे रिजॉल्व करके दो, ठीक है। तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्या मतलब हुआ, एड्रेस को रिजॉल्व करने वाला प्रोटोकॉल, मेरे पास डेस्टिनेशन मैक नहीं है, आप मुझे इसका रिजॉल्व कर, क्लियर है, समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट क्या करेगा एआरपी प्रोटोकॉल, एक चीज और देखो, आईसीएमपी जो वर्क करता है ना आपका, वो लेयर 3 पे वर्क करता है, ठीक है। एआरपी प्रोटोकॉल जो वर्क करेगा वो आपका लेयर 2 पे वर्क करेगा। ये मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ये रिमेम्बर रखनी है, ठीक है, ये सब कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सब, ठीक है। और जब भी कोई प्रोटोकॉल लेयर 3 पे वर्क करेगा तो आईपी हेडर अटैच होगा, लेयर 2 पे इथरनेट हेडर अटैच होगा, ठीक है। तो अब देखो प्रोसेस यहाँ पे स्टक हो गया, तो मैं चीजें रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये सब भूल जाओ, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे आईसीएमपी ने पैकेट जनरेट किया, आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर किया,
इसने आरवा प्रोटोकॉल को हैंड ओवर किया या प्रोसेस स्टक हो गया, फिर इसने क्या किया, एआरपी प्रोटोकॉल को दिया। एआरपी प्रोटोकॉल वर्क ऑन लेयर थ्री लेयर टू। एआरपी प्रोटोकॉल अपना एक हेडर अटैच करेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो रहेगा सोर्स आईपी, ठीक है, क्या रहेगा सोर्स आईपी, सोर्स आईपी 10.1, सोर्स मैक पता है 0A, ठीक है। और एआरपी प्रोटोकॉल वर्क ऑन लेयर 2, और जब एआरपी प्रोटोकॉल की हेडर की बात करेंगे तो वी कॉल टारगेट, नॉट कॉल डेस्टिनेशन, वी कॉल टारगेट, टारगेट आईपी इज, टारगेट आईपी मालूम है ना 10.2 को जाना है हमारे पास, टारगेट मैक पता है हमें भाई, अगर पता होता तो यहीं पे आ जाता, पता नहीं है ना टारगेट आईपी 0000, ठीक है। और एक कोड होता है, टाइप कोड होता है, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं आर्प रिक्वेस्ट। मेरे पास आपका आर्प नहीं है तो आप मुझे अपना आर्प रिक्वेस्ट भेज दो। तो ये क्या है, टाइप कोड क्या हो गया, विच इज कॉल्ड ओप कोड, वन वन इज आर्प रिक्वेस्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, या फिर ना मैं इधर करता हूं ताकि सब एक ही आ जाएगा। दो कंप्यूटर है, ठीक है, ये ए मैक एड्रेस एंड बी मैक एड्रेस, ठीक है, दोनों एक डिवाइस केबल से कनेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसने एक इको, मैंने पिंग किया, ठीक है, जैसे मैंने पिंग किया, किसको पिंग किया मैंने, 10.1.1.2, ठीक है, इसने क्या किया, एक ICMP प्रोटोकॉल ने एक इको मैसेज जनरेट किया, ठीक है, विद टाइप कोड 8, ठीक है, और लेयर 3 पे एक आईपी हेडर अटैच हुआ, सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.1, उसके बाद सोर डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 10.2, टीटीएल क्या रहेगा 128, और प्रोटोकॉल क्या रहेगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद ये फिर लेयर 2 पे जाएगा, लेयर 2 पे इथरनेट हेडर अटैच होगा, तो उसमें क्या रहेगा, सोर्स मैक क्या रहेगा, समझ में आ रहा है ना, सोर्स मैक क्या रहेगा ए, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा पता नहीं है ना, डेस्टिनेशन मैक तो पता ही नहीं है अभी, तो किसने आर्प टेबल में जो एंट्री बनाई नहीं है इसने अभी, ठीक है। अब क्या होगा, एआरपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल को बोलेगा भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अब इंफॉर्मेशन आप दे दो, ठीक है। एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपना एक हेडर अटैच करेगा,
सोर्स आईपी 10.1, सोर्स मैक पता, इसको अपना मैक तो पता ही है ना, ए, ठीक है। व्हाट इज टारगेट आईपी, पता ही है 10.2 है। टारगेट मैक नहीं पता इसको, बट एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, 0.0 कर देगा, ठीक है। और ओपकोड क्या रहेगा, 1। अब देखो लेयर टू पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई, लेयर टू पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना, और लेयर टू एआरपी प्रोटोकॉल लेयर टू पे वर्क करता है, तो लेयर टू पे जब भी कोई प्रोटोकॉल वर्क करता है इथरनेट हेडर भी अटैच होगा, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन अभी बात बताऊंगा उसको कॉल अप क्यों आ गया है, टाइप कोड 0x0800, देखो यहां पे 10.1, 10.2, ठीक है, यही था। मैंने जब पिंग किया तो डिवाइस ने एक आईएसएमपी पैकेट जनरेट किया लेयर 3 पे, ठीक है, और लेयर 3 पे एक आईपी हेडर अटैच हुआ, लेयर थ्री पे एक आईपी हेडर अटैच हुआ, दिस इज आईपी हेडर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टीटीएलआर, प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है। इस पे ये कौन काम करता है, आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक नहीं था, लेयर टू पे, लेयर टू पे कौन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस होल्ड हो गया था, इसने एआरपी प्रोटोकॉल को दिया इसने, भाई तुम मुझे एड्रेस को रिजॉल्व करके दो, समझ में आ गया। इसने अपनी डिटेल फिल करी और ये लेयर टू पे वर्क करता है, तो लेयर टू पे एक इथरनेट हेडर भी अटैच होगा। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, लेयर टू पे डेस्टिनेशन मैक नहीं था, बट यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया आपका, फ्रेम क्या हो गया, इनकैप्सुलेट। पहले नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं हो पा रहा था, पहले आपके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं था इसलिए नहीं हो पा रहा, बट अब तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, फ्रेम क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया। और ये जो ऑल ऑफ आएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट मैक है, ठीक है, दिस इज ब्रॉडकास्ट मैक। जब भी एआरपी प्रोटोकॉल हैंडओवर करेगा आरपा प्रोटोकॉल, तो डेस्टिनेशन जो मैक होगा वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज एक और क्या है, ये आर्प रिक्वेस्ट है ना, तो एक चीज और आर्प रिक्वेस्ट ऑलवेज, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, आर्प ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। एंड गाइस वन मोर थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर इंटरव्यू पर्पस, ठीक है। एआरपी प्रोटोकॉल कब कौन सी लेयर पे वर्क करता है, आर्प रिक्वेस्ट जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है, यूनिकास्ट होता है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। ये समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे मेरी सारी डिटेल फिल हो गई, फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया। तो अब क्या करेगा डिवाइस? अब लेयर वन पे ईथरनेट होता है, केबल है ना, ईथरनेट अपनी ईथरनेट कार्ड होगा, एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड, ठीक है। तो वो इसको क्या मिलेगा? फ्रेम, फ्रेम इनकैप्सुलेट हुआ था ना, फ्रेम मिल गया। और डिवाइस कौन सी लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी, 10। L1 कार्ड क्या करेगा? 10 10 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया तो क्या करेगा? ये सेंड करेगा ना। तो यहां पे इसने बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको भेज दिया, ठीक है, भेज दिया इसको। अब ये डिटेल इसके पास आई, कंप्यूटर बी के पास आई, ठीक है। तो बी क्या करेगा? और ये डिटेल इसके पास आई तो बी कौन सी लेयर पे मिलेगा? L1 पे ही मिलेगा ना, फिजिकल लेयर पे मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? बाइनरी फॉर्म में, फ्रेम में कन्वर्ट कर लेगा। फ्रेम में जैसे ही कन्वर्ट करेगा क्या मिलेगा? ये मिलेगी, ये डिटेल मिलेगी ना। अरे फ्रेम, जो ये फ्रेम इनकैप्सुलेट हुआ था तो वही डिटेल मिलेगी ना। तो क्या करेगा? डीकैप्सुलेट करेगा। डीकैप्सुलेट मतलब इनकैप्सुलेट एडिंग इन्फॉर्मेशन। पहले क्या था? ये सब डिटेल हमने ऐड करी थी ना, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, पर छोटा करने के लिए फ्रेम को इनकैप्सुलेट किया था। दूसरा डिवाइस क्या करेगा? डीकैप्सुलेट करेगा। डीकैप्सुलेट किया, डीकैप्सुलेट करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अब देखो कैसे पता लगेगा कि कौन भेज रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कैसे पता लगेगा? देखो सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है भाई? सबके लिए है, मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है और थर्ड पार्टी के लिए भी है। डेस्टिनेशन मैक का क्या मतलब है? सबके लिए है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मैक है, ब्रॉडकास्ट है, मतलब मेरे लिए भी है, एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है। टाइप कोड 0x0806, टाइप कोड देख लेते हैं। टाइप कोड ये किसका है? देखो 0x0806, और नॉर्मली जो हम यूज करेंगे ना टाइप कोड, वो पहले डिस्कस कर लेंगे, 00, ठीक है। ये जो टाइप कोड है ना आपका, ये आपका ARP, ये जो टाइप कोड है आपका IPv4, ठीक है। देखो दूसरी मशीन को मिला, इसने फ्रेम में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको ये लगा, पता लगा कि डेस्टिनेशन मैक है, सबके लिए, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद टाइप कोड क्या है? 0x0806, टाइप कोड किसका? ARP प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो इसने ARP प्रोटोकॉल को दे दिया, भाई ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए आई है, ARP प्रोटोकॉल को मिल गई। भाई बाप बताओ, जब कुरियर जाता है कैसे पता लगता है कि ये डिटेल किसकी है? नाम रहता है, पिन कोड भी रहता है ना, इस पिन कोड से ये एरिया पिन कोड है, वहां पे भेजनी है, तो उसको ये पता लग गया भाई किसका इन्फॉर्मेशन है, ARP प्रोटोकॉल का है। भेज दिया ARP प्रोटोकॉल को। ARP प्रोटोकॉल क्या करेगा भाई? वो भी चेक करेगा ना टारगेट आईपी, टारगेट आईपी किसकी है? खुद की है ना, 10.2, एक्सेप्ट कर लेगा, टारगेट आईपी खुद की है, एक्सेप्ट कर लेगा। करने के बाद क्या चेक करेगा ये? यहाँ पे एक ओप कोड था ना, इसने एक्सेप्ट कर लिया।
अब क्या करेगा ये, क्या क्या करना है इसको, यहाँ पे एक ओपकोड था ना, ओपकोड वन, वन मीन्स आर्प रिक्वेस्ट, ठीक है समझ में आ रहा है, आर्प रिक्वेस्ट। तो दूसरे डिवाइस को ये पता लग गया कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए आई है, 10.2 के लिए आई है, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ओपकोड वन है, मतलब आर्प रिक्वेस्ट है, मतलब कोई मुझसे मेरा आर्प रिक्वेस्ट मांग रहा है। भाई जब आप किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है, तो कभी कभी पेमेंट में जैसे गूगल, कोई थर्ड पार्टी ऐप पे गए आप गूगल पे से करोगे तो गूगल पे एक नोटिफिकेशन आती है, एक्सेप्ट करो या डिस्कार्ड करो, तब जाके पेमेंट होती है, ठीक है। तो इसको क्या पता लगा कि भाई ओपकोड वन है, दैट मीन्स समवन इज सेंडिंग आर्प रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। कौन भेज रहा है, सोर्स आईपी ये है, सोर्स मैक ये है, ये डिटेल है ना, क्या डिटेल है। और मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि एवरी डिवाइस मेंटेन आर्प केबल, स्विच भी मेंटेन करेगा, राउटर भी करेगा, और आपका विंडो का पीसी भी करेगा, लैपटॉप भी करेगा, ठीक है। जिसपे आपने पोर्ट पे आईपी दे दी, जिसके पोर्ट पे आपने आईपी दी है, वो डिवाइस आर्प टेबल मेंटेन करेगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, देखो ये इंफॉर्मेशन मिली तो ये डिवाइस को पता लग गया ना भाई, 10.1 भेज रहा है जिसका मैक ए है और जो मेरे को, मेरे से आर रिक्वेस्ट मांग रहा है। तो बी क्या करेगा, बी के पास तो इंफॉर्मेशन सारी आ गई, तो बी क्या करेगा, आर टेबल मेंटेन करेगा, क्या करेगा, आर टेबल मेंटेन करेगा। क्या एंट्री रहेगी आर टेबल में, कौन भेज रहा है, 10.1, क्या मैक है, ए, ठीक है, एंट्री मिल गई इसको। अब ये क्या करेगा, इसको पता लग गया ना कि भाई किसी ने मेरे को आर्प रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, भाई उसने हेलो बोला तो मैं भी हेलो बोलूंगा ना, उसने मेरे को आर्प रिक्वेस्ट भेजा तो मैं उसको आर्प रिप्लाई भेजूंगा, आ गया, मेरे को आर्प रिक्वेस्ट भेजा तो मैं उसको क्या भेजूंगा, आर्प रिप्लाई, ठीक है। तो PC2 क्या करेगा, आर्प रिप्लाई देगा, ठीक है। अब ये आर्प रिप्लाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो जब डिवाइस आर्प रिप्लाई भेजेगा, ये क्या मैसेज था, आर्प रिक्वेस्ट का था ना। देखो हेडर में डिटेल आपकी सेम रहेंगी, मतलब हेडर में जो कंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो फॉर्मेट है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब ये डिवाइस क्या करेगा, इसको पता लग गया ना, इसने अपना आर्प टेबल मेंटेन कर लिया, आर्प टेबल मेंटेन कर लिया ना, तो अभी क्या करेगा, आर्प रिप्लाई देगा, भाई मुझे पता लग गया मैंने डिवाइस मेंटेन, आर्प टेबल मेंटेन कर ली, अभी क्या बोलेगा, ये क्या मेंटेन कर लिया इसने, आर्प, आर्प टेबल है इसकी, ठीक है, अभी भेजेगा आर्प रिप्लाई। तो रिप्लाई में जैसे ये आर्प रिक्वेस्ट था, ठीक है, तो क्या क्या भेजेगा वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या भेजेगा, आर्प रिप्लाई, ठीक है। और आप आर्प रिप्लाई कैसे भेजेगा वो देखते हैं, कैसे भेजेगा,
ये नोट कर ली, नोट कर लिया ना सबने। और गाइस जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूँ वो नेट से भी आप चेक कर सकते हो कि लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन आईसीएमपी, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन पिंग, तो आपको कुछ ना कुछ सेम ही मिलेगा। वो देखो कंटेंट आपका जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो निकलते तो सिलेबस से ही है ना, निकलेगा तो यहीं से। टाइप कोड पूछा जाता है, आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर, कौन सी लेयर पे काम करता है, ठीक है, पहला पैकेट ड्रॉप क्यों होता है, किन सिनेरियो में, देखो दूसरा पैकेट भी ड्रॉप होगा ठीक है, बट किस किस सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डिवाइस क्या करेगा, आर्प डिवाइस क्या करेगा, आर्प रिप्लाई पैकेट जनरेट करेगा। आप रिप्लाई में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेंगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, सोर्स मैक ना, देखो सेम रहे, सोर्स मैक क्या हो जाएगा, बी बी भेज रहा है ना, सोर्स आईपी 10.2 ठीक है, टारगेट आईपी 10.1 ठीक है, समझ में आ गया, टारगेट आईपी, टारगेट मैक क्या रहेगा, आर्प टेबल में चेक करेगा ना, आर्प टेबल तो एंट्री है ही, ए टाइप कोड, ऑप कोड टाइप कोड ठीक है, देखो आर्प रिक्वेस्ट ठीक है, कितना रहेगा 2 क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और, आर्क मैंने आपको क्या बोला था, आर्क जो रिक्वेस्ट होता है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, बट आर्क रिप्लाई क्या जा रहा है, सिंगल है ना, यूनिकास्ट है, यूनिकास्ट है ना, ठीक है, तो आर्क जो रिक्वेस्ट जाएगी ऑलवेज ब्रॉडकास्ट और रिप्लाई क्या रहा है, यूनिकास्ट, खाली एक ही है ना, यूनिकास्ट है, ठीक है। देखो जनरेट हो गया, इसने आर्प रिप्लाई दे दिया, ठीक है, अब आर्प रिप्लाई और जो आर्प है वो कौन सी लेयर पे काम कर रहा है, लेयर 2 पे, तो जब भी डिवाइस लेयर 2 पे वर्क करेगा, ईथरनेट हेडर अटैच होगा ना, ईथरनेट हेडर अटैच होगा ना, ठीक है, ईथरनेट हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएंगी, सोर्स मैक, बी खुद का है ना, डेस्टिनेशन मैक, आर्प टेबल में चेक करेगा, एंट्री है, ए टाइप कोड क्या रहेगा, ये इंफॉर्मेशन किसने दी है इसको, एआरपी प्रोटोकॉल, तो टाइप को एआरपी जो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, और जिसने इंफॉर्मेशन दी है तो उसी का रहेगा ना, ठीक है, किसने इंफॉर्मेशन दी है, आर प्रोटोकॉल ने, तो टाइप कोड किसका रहेगा, आर प्रोटोकॉल का ही, ठीक है, तो टाइप कोड कितना रहेगा, 0x0806 ठीक है, आर प्रोटोकॉल, ये लेयर 2 पे से सारी इंफॉर्मेशन आ गई। देखो जब इंफॉर्मेशन सारी आ गई फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा ना, अरे लेयर 2 पे फ्रेम होता है, ये फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया, ठीक है, और जब फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया तभी क्या करेगा, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना, फ्रेम इनकैप्सुलेट कर दिया इसने, अभी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा भाई इसको,
क्या करेगा, इसको देखो, इसने डिवाइस ए ने आर्क रिप्लाई भेज दिया। ठीक है, अब ए के पास आर्क रिप्लाई आ गया। ठीक है, आ गया ना इसके बाद आर्क रिप्लाई। अब वो क्या करेगा, वो बात करेगा। इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट? ओके, अब बात करेंगे ए क्या करेगा। देखो ये पहला जो आपने, देखो एक चीज और, देखो अगर मैं रियल सिनेरियो की बात करूं, आपने पिंग किया यार किसी को भी, ठीक है, आप किसी राउटर से ही पिंग करते हो ना, तो मैं राउटर का केस ले लेता हूं। राउटर पे गए आप, आपने किसी को पिंग किया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 पैकेट देगा, ठीक है, तो 5 में से पहला तो आपका जो लेयर 3 पे उसने हैंडओवर किया आईसीएमपी ने, वहीं पे ड्रॉप हो गया। तो वो जो प्रोसेस है ना वो चली रही है अभी तक, यहाँ तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो दूसरा पैकेट जाएगा ना इसके बाद ही जाएगा ना, ये तो पहला पैकेट ही फंस गया, ठीक है। अगर एक आपकी रोड है, रोड पे अगर उस रोड पे क्या होगा, छोटी सी रोड है, पतली सी रोड है जैसे गाँव की होती है, सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से भी एक गाड़ी जा रही है, आपको 5 चक्कर मार रहे हैं वहां पे, उस रोड पे 5 चक्कर मार रहे हैं, बट जब पहली बार जाओगे सामने से गाड़ी आ रही है, पहली बार निकलोगे तभी तो जाओगे ना 4 बार और, तो यहाँ तो पहली बार ही अटक गया ना, तो यहाँ पे तो पहला पैकेट ही ड्रॉप हो गया, फंस गया। तो अभी ये पहला पैकेट होल्ड पे है, वो चल रहा है प्रोसेस, 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो आपने जो आउटपुट था वहां पे आपको दिखा दिया कि पहला पैकेट ड्रॉप हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि आर पीसी 1 क्या करेगा इसमें। ठीक है, ये पीसी 1 था, पीसी 2, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, देखो हुआ क्या, इसने क्या भेजा था, रिप्लाई भेजा था ना, इसने क्या दे दिया, अरे इसने आर्क रिक्वेस्ट भेजा था यार, क्या करते हो तुम लोग, सो रहे हो क्या, ओके, ठीक है, ये क्या भेजेगा, आर्प रिक्वेस्ट, क्या भेजा इसने, आर्प रिक्वेस्ट, इसने क्या भेज दिया, आर्प रिप्लाई, ठीक है। अब ये पीसी ए क्या करेगा वो बात कर ले, और इसने ऑलरेडी आर्क टेबल बना ली थी,
ठीक है, आप टेबल बना ली थी ना इसने, इस आप टेबल में क्या एंट्री है 10.1, उसका मैक है ए, ठीक है। अब देखो ए के पास इंफॉर्मेशन है तो ए को क्या मिलेगा, नहीं वही सेम बिट्स में कन्वर्ट करके भेजेगा, इसको बिट्स मिलेगी, लेयर वन क्या करेगा बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम को जो फ्रेम इसको मिलेगा, फ्रेम तो यही मिलेगा ना ये वाला, फ्रेम क्या मिलेगा, इस फ्रेम में क्या इन्फॉर्मेशन थी, आर्प रिक्वेस्ट में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, आर्प रिक्वेस्ट में आर्प हेडर होगा ना, तो क्या होगा इस आर्प रिक्वेस्ट में, सोर्स जो मैक होगा वो किसका होगा, बी का, सोर्स मैक किसका होगा, बी का, डेस्टिनेशन किसका होगा, ए का, सोर्स मैक बी का है, सोर्स मैक सोर्स आईपी किसकी है 10.2 बी का ही है ना, टारगेट आईपी क्या था इसमें 10.1, ठीक है, और टारगेट मैक क्या था, टारगेट मैक क्या था इसकी आर्क टेबल में है ना एंट्री, तो टारगेट मैक क्या हो जाएगा ए, ऑपकोड क्या था 2, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिली ए को, ठीक है, तो ए क्या करेगा, टारगेट खुद का है 10.1 ही है ना इसकी आईपी, खुद का है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब क्या देखेगा ये, क्या देखेगा ऑपकोड क्या है 2 मींस आर्प रिप्लाई, क्या पता लग जाएगा इसको कि मैंने एक आर्प रिक्वेस्ट भेजा था उसका मुझे क्या मिला है, आर्प रिप्लाई, इसको आर्प रिप्लाई मिल गया, कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है 10.2, मैक क्या है बी, आर्प टेबल में क्या कर लिया इसने अपडेट, क्या कर लिया अपडेट, तो आर्प टेबल, अब दोनों की आर्प टेबल अपडेट हो गई, बट ये प्रोसेस चला, अब ये प्रोसेस जाके कंप्लीट हुआ है, इतने में आपको 2 सेकंड क्या हो गया, तो आईसीएमपी का टाइम आउट है, वो 2 सेकंड ही वेट करेगा, बट प्रोसेस आपका अब कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो टाइम आउट हो गया, उसने आपको क्या कर दिया, जैसे आपने पिंग किया था, पिंग किया था आपने 10.1.2, जैसे आपने एंटर मारा था उसने एक पैकेट आईसीएमपी का जनरेट किया, वो होल्ड हो गया, फिर एआरपी प्रोटोकॉल को दिया, फिर एआरपी टेबल अपडेट हुई, 2 सेकंड खत्म हो गए, पहला पैकेट ड्रॉप, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है ना, अब अगला पैकेट जाएगा, ठीक है, तो अब अगला पैकेट कैसे जाएगा, बाय डिफॉल्ट पीसी कितने भेजेगा, 4 पैकेट भेजेगा ना, बाय डिफॉल्ट पीसी 4 पैकेट भेजेगा, बताया था ना आपको, अभी कितना पैकेट गया है, 1, तो पहले ही क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, पहले में क्या आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, समझ में आ गया, अभी एक ही पैकेट गया है वो भी क्या हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब दूसरा पैकेट जाएगा तब क्या होगा वो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है, अब एआरपी टेबल जो है वो तो दोनों डिवाइस की क्या हो गई है, अपडेट हो गई है ना, समझ में आ गया, अब देखो क्या होगा, यहां पे इसकी एक एआरपी टेबल बनी है, एक इसकी ईआरपी टेबल, समझ में आ गया,
और इसकी एआर टेबल में जो एंट्री है ये 10.1 है, इसकी आईपी 10.2 है मान लो, तो 10.2 उसका मैक क्या है बी, इसकी है 10.1 मैक है ए, एआरपी टेबल बन गई। एआरपी टेबल मेंटेन करने में दोनों का एक पैकेट, मतलब पहला पैकेट क्या हो गया ड्रॉप हो गया ना, ठीक है, अब दूसरा पैकेट जाएगा, ठीक है। आपने पिंग किया था 10.1.1.2, आपने मारा एंटर, पहला पैकेट क्या हो गया था ड्रॉप, अब डिवाइस दूसरा जनरेट करेगा, तो सेम प्रोसेस आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम करेगा, ई को मैसेज सेंड करेगा, टाइप कोड 8 रहेगा, ठीक है, लेयर 3 पे वर्क करता है, आईपी हेडर अटैच होगा, आईपी हेडर में सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.2, टीटीएल 128, प्रोटोकॉल 1 आईसीएमपी प्रोटोकॉल, समझ में आ गया, ये क्या बन गया पैकेट, ऑन लेयर 3 we called packet and on layer 2 we called frame, ये क्या हो गया आईपी प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा एआरपी प्रोटोकॉल को देगा ना, सोर्स मैक खुद का तो पता ही है इसको, ए डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा ना, कहां चेक करेगा आर्क टेबल में, डेस्टिनेशन मैक 10.2 आईपी क्या है 10.2 10.2 का पड़ा है इस बार बी डाल देगा, टीटीएल वैल्यू IPv4 का पता है था ना आपको 0x0800, इस बार तो कंप्लीट हो गया इंफॉर्मेशन, इस बार तो फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा ना, तो इस बार तो एआरपी प्रोटोकॉल का काम ही नहीं है, फ्रेम क्या हो गया इनकैप्सुलेट, फ्रेम क्या हो गया इनकैप्सुलेट, लेयर 1 को देगा, लेयर 1 पे इथरनेट कार्ड होगा, लैन कार्ड, वो क्या करेगा इस फ्रेम को, उसको फ्रेम मिलेगा ना यहाँ पे, बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, बिट्स में कन्वर्ट करके यहां भेज देगा, इसने इतना प्रोसेस किया ना, इस मशीन ने इतना प्रोसेस किया, यहां भेज देगा, बी को मिलेगा, तो बी को क्या मिलेगा, बी को ये मिलेगा ना, कन्वर्ट करेगा इसमें फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, क्या मिलेगा ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेस्टिनेशन खुद का है बी, एक्सेप्ट कर लेगा, किस अब किसको देना है, जैसे पिन कोड देखते हो, एड्रेस देखते हो, क्या देखेगा टाइप कोड किसका, IPv4 का, लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा, फिर क्या देखेगा, डेस्टिनेशन खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्या है ये आईसीएमपी, ठीक है, आर एस एम पी को देगा, आई सी एम पी को हैंड ओवर कर देगा, 8 क्या है इको रिक्वेस्ट है ना, कौन भेज रहा है 10.1, किस डिवाइस को ये पता लगा कि एक 10.1 का डिवाइस है, वो मुझे क्या भेज रहा है इको रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट क्या रहेगा इको रिप्लाई, समझ में आ गया, इतना क्लियर है, अब वो क्या देगा इको रिप्लाई, पहले डिवाइस के पास मैक नहीं था तो आर्प रिक्वेस्ट भेजा उसने, फिर दूसरे ने आर्प रिप्लाई भेजा, और इसके पास तो अभी आर्प टेबल अपडेटेड है, अब इसके पास क्या है इंफॉर्मेशन है इको रिक्वेस्ट, तो अभी क्या भेजेगा, क्या भेजेगा इको रिप्लाई, इको रिप्लाई भेजेगा ना, तो देखो अभी इको रिप्लाई कैसे भेजेगा वो बात करें, अभी इको रिप्लाई कौन सा डिवाइस भेजेगा बी, और एक चीज और, जब भी आप पिंग करते हो ना, इसको पिंग किया हमने 10.1.1.2, आपका डिवाइस है और एक 10.2 का डिवाइस है जिसको आप पिंग कर, आप भेजोगे, आपने रिक्वेस्ट भेजी
आईसीएमपी की, इसने आपको दोबारा भेज दी, तब जाके सक्सेस होगा। ठीक है, तभी जाके सक्सेस होगा, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अभी क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ इसको रिसीव हुआ है ना, जब ये दोबारा भेजेगा इको रिक्वेस्ट, तब जाके क्या होगा, वो तब जाके सक्सेस होगा। समझ में आ गया? तो देखो अब क्या होगा, डिवाइस क्या करेगा, वी जनरेट आईसीएमपी इको रिप्लाई। ठीक है, क्या भेजेगा, इको रिप्लाई। कैसे भेजेगा, आईसीएमपी इको रिप्लाई भेजेगा। ठीक है, इको रिक्वेस्ट का टाइप कोड कितना था, एक, इसका कितना है, जीरो। ठीक है, इसने क्या किया, आईसीएमपी इको रिप्लाई जनरेट कर दिया। समझ में आ गया? अभी क्या करेगा, सेम प्रोसेस है, लेयर थ्री पे वर्क करता है ना, इतना आईपी हेडर अटैच होगा, क्या हुआ उसमें, सोर्स आईपी, क्या है सोर्स आईपी, 10.2 रीजनरेट कर रहा है ना, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.1 टीटीएल 128 है ना, प्रोटोकॉल नंबर आईसीएमपी का 1। समझ में आ गया? ठीक है, सेम चीज, इसको क्या हो कहते हैं, पैकेट। तो पैकेट क्या हो गया, इनकैप्सुलेट। पैकेट क्या हो गया, इनकैप्सुलेट। तो जैसे ही पैकेट इनकैप्सुलेट होगा, ये क्या करेगा, लेयर टू को देगा ना, तो लेयर टू को दे दिया। तो लेयर टू पे क्या है, आरपा प्रोटोकॉल है ना, लेयर थ्री पे कौन सा प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल। अरपा में क्या होगा, इतना हेडर अटैच होगा लेयर टू पे, सोर्स मैक जीरो, सोर्स मैक इज बी, डेस्टिनेशन मैक आर टेबल में चेक करेगा ना, 10.1 का है ये कर देगा। ठीक है, अब कौन भेज रहा है, IPv4 टाइप कोड IPv4 का। ठीक है, अभी क्या करेगा, लेयर वन पे जनरेट, लेयर वन पे इंटरनेट जो कार्ड होगा वो क्या कर देगा, फिजिकल मीडिया में प्लेस कर देगा। ठीक है, अब ये जो आर इसने भेजा था ना, ये इसने भेजा था आर इको, सॉरी इसने क्या भेजा था, दूसरा पैकेट पे इको रिक्वेस्ट भेजा था ना, अभी क्या भेज दिया इसने, इको रिप्लाई। समझ में आ गया? ये इंफॉर्मेशन देखो, देखो जब आपने पिंग किया था तो पहला पैकेट ड्रॉप हुआ था ड्यू टू, वहां पे मैक नहीं था ना, मैक नहीं था तो पहला पैकेट ड्रॉप हो गया, दूसरा पैकेट गया, इसने ई को रिक्वेस्ट भेजा, ये ई को रिक्वेस्ट आया, ये ई को रिक्वेस्ट आया, तो ई को जब रिक्वेस्ट आया, इसने ई को रिप्लाई दिया, अभी ए के पास ये सब डिटेल आई, क्या करेगा, डिजिटल मीडिया पे ये बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम में कन्वर्ट करेगा तो क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन किसका है, खुद का ही है ना, डेस्टिनेशन खुद का है ना, ए खुद ही है ना, एक्सेप्ट कर लेगा, किसको हैंड ओवर, किसको देगा फिर, ये IPv4 को दे दिया, डेस्टिनेशन आईपी किसकी है, खुद की है, 10.1 एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया इसने, एक्सेप्ट किया ना, और क्या है ये, कौन भेज रहा है, आईसीएमपी। ठीक है, आईसीएमपी भेज रहा है ना, तो आईसीएमपी को दे देगा ये, आईसीएमपी ओपन करेगा इस मैसेज को, क्या है ये, जीरो इको रिप्लाई, मतलब जो इसने दूसरा पैकेट भेजा था ना उसके को क्या मिल गया, पहला ड्रॉप, दूसरे को क्या मिल गया, रिप्लाई, दूसरा क्या हो गया, सक्सेस। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, सक्सेस।
ड्रॉप हुआ था, दूसरा क्या हो गया सक्सेस, ऐसे ही तीसरा जाएगा, तीसरा भी ऐसे जाएगा, चौथा भी जाएगा सक्सेस। बाई डिफॉल्ट चार पैकेट भेजता है, तो पहला ड्रॉप आएगा बिकॉज डिवाइस इनिशियली डिवाइस डोंट हैव द मैक एड्रेस इनसाइड देयर आर्क टेबल। पहले में आर्क टेबल में एंट्री नहीं थी, तो आर्क टेबल में एंट्री को अपडेट करने के लिए पहला पैकेट क्या हो गया ड्रॉप, और उसके बाद के जो तीन मैसेज जो थे वो आपके क्या हो गए सक्सेस। ठीक है, तो ये पिंग का जो था बेसिक था ये था, और जो दूसरी क्लास नेक्स्ट क्लास में हम एक राउटर को उससे अटैच करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम बीच में एक राउटर लगाएंगे, ठीक है, और फिर एक पीसी से कनेक्ट करेंगे। तब कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे पैकेट फ्लो जाएगा, तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये आईसीएमपी कवर हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम चेक करेंगे। ठीक है गाइस, इफ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल टू स्टे अपडेटेड। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके अपलोड कर दी जाएंगी, एंड इन केस समवन इज इंटरेस्टिंग फॉर सीसीएनए सिक्योरिटी बैच सो दे कैन पिंग। ओके, थैंक यू।